डियर टीम, आज मैं आप लोगों के साथ कंपनी में हो रहे निरंतर फ्रॉड्स के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि फ्रॉड कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, मगर मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा जो स्टाफ इसमें लिप्त पाए जाते हैं ये उनके लिए भी बड़ा हानिकारक होगा। कंपनी में दो प्रमुख प्रकार के फ्रॉड पाए जा रहे हैं, एक कस्टमर द्वारा दिया गया पैसा जो कि पॉकेटिंग हो रहा है, वो फोरक्लोजर का पैसा हो सकता है, वो इंस्टॉलमेंट का पैसा हो सकता है, या फिर सीडीएल में जो पेनल्टी रिसीव की जाती है वो भी पॉकेटिंग की जाती है। दूसरे तरीके का फ्रॉड है जहां पर हम किसी और क्लाइंट का पैसा लेके एनपीए या अरियर कम करने के लिए दूसरे क्लाइंट पे चढ़ाते हैं। कंपनी की नजर में ये भी फ्रॉड है और इसके लिए कोई भी सफाई या पैसे का एडजस्टमेंट नहीं माना जाएगा। ब्रांच में जो भी कैश रहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी बीएम की है, बीएम इसको सुनिश्चित करें अधिकतम पैसा उसी दिन ब्रांच का बैंक में जमा हो जाए और ब्रांच में कम से कम कैश रहे। ध्यान रखिएगा ज्वाइनिंग के वक्त आपने अपने सारे कागजात केवाईसी और एड्रेस प्रूफ के साथ जमा किए हैं। यदि कोई भी स्टाफ ऐसा पाया जाता है कंपनी उसके खिलाफ पूरी पुलिस और कानूनी कार्रवाई करेगी। और यकीन मानिए आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके माता पिता के पास पुलिस पहुंचे और मोहल्ले में उनकी बदनामी होगी। इसलिए ईमानदारी के साथ काम करें, लंबा करियर बनाएं, इन छोटे शॉर्टकट्स से करियर नहीं बनता। और आगे ध्यान रखें, अब नया एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी शुरू हो गया है जिसमें जितने भी फ्रॉड स्टाफ हैं उनकी डिटेल अपडेट की जाती है और बाकी कंपनियां हायरिंग से पहले एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो चेक करती है। जिन स्टाफ का नाम इसमें पाया जाता है उनकी रीहायरिंग ना तो सेम कंपनी में ना दूसरी कंपनी में संभव हो।